हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल पर, जहां मैं आपको लोको पायलट के लिए जो इलेक्ट्रिकल की क्लासेज ले रहा हूं, वो आपको मैं आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का हमारा, अभी तक मैंने आपको आर, एल और सी के बारे में पढ़ा दिया, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, और आज मैं आपको इनके श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजनों के बारे में बता रहा हूँ कि इनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप लोगों को भी पता है। तो इसीलिए आज हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन करते हैं। तो सबसे पहले अपन का टॉपिक है रजिस्टेंस का या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के लिए या रेजिस्टेंस के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? तो देखो, यदि आपके दो से ज़्यादा प्रतिरोध, दो या दो से ज़्यादा, सपोज करो मैंने n प्रतिरोध लिए, और ये सभी के सभी प्रतिरोध अपन के कौन से क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तो मैंने इन सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? एक के बाद दूसरा प्रतिरोध आना, तो वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। और मैंने इन सबको एक सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दिया। माना कि इसका मान है R1, इसका है R2, इसका है R3। तो मैंने इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो मेरे को यहाँ पर कौन कौन सी बातें याद रखनी है ताकि मेरा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए श्रेणी क्रम से रिलेटेड संबंधित में? सबसे पहली बात याद रखनी है कि तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो इसको मैं, या तो आपको याद ही होगा या आपको आज याद हो जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका आएगा सभी का योग, यानी सभी का जोड़, मतलब R1 प्लस R2 प्लस RN, मतलब सभी को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि देखो, अगर ये वोल्टेज V है और यहाँ से कोई ना कोई करंट जाएगी I, तो ये करंट जितनी R1 में से जाएगी उतनी ही R2 से जाएगी और उतनी ही R3। सपोज करो मैं इसको N ले लेता हूँ, तो उतनी ही RN से होकर के जाएगी। तो मतलब सभी प्रतिरोधों में से जाने वाली धारा का मान क्या है? समान है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, कौन से संयोजन में बोलो, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। तीसरी बात हमको याद रखनी है कि सभी प्रतिरोधों पर जो वोल्टेज का मान है, वो उनके प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध पर वोल्टेज किस पर निर्भर करेगा? प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई हमसे पूछ ले कि इसके ऊपर यदि वोल्टेज V1 है, इसके ऊपर वोल्टेज V2 है और इसके ऊपर वोल्टेज VN है। मान लो कोई हमसे ये पूछ ले कि बताइए V1 का मान कितना होगा, तो V1 का मान आप क्या लिखोगे? देखो, करंट कितनी जा रही है? I मल्टीप्लाई विथ उसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। और कोई पूछे V2 का मान कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? IR2। तो आप यहां से देखिए, ये मैंने कहां से लिखा? ओम के नियम से लिखा, जो मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में। और यहां देखिए कि V1 की जो मान है वो I into R1, दोनों ही समीकरणों में धारा का मान समान है। इसका मतलब दोनों में जाने वाली धारा समान है, जबकि उनका जो टोटल वोल्टेज है V1 और V2 का जो मान है वो उनके प्रतिरोधों के मान पर निर्भर कर रहा है। सो हमको याद रखना पड़ेगा V1 और V2 का मान, तुल्य प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों पर धारा क्या होती है? समान। कौन से क्रम संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन में। ऐसे ही हमारा, तो मेरे को लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है।
अगर मान लो आपके प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में हो, तो मैं अभी आपके सामने समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। तो दूसरा है कौन सा, बोलो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, मतलब पैरेलल। तो ध्यान से देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, तो ये दो प्रतिरोध है मान लो अपने पास, और ऐसे करके n प्रतिरोध थे, और ये सभी मैंने किस में जोड़ दिए, एक वोल्टेज स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो आप यहां देखिए, ये है आपका R1, ये R2, और ये कितना है Rn। तो मैंने n प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ दिया, बोलो, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब जब n प्रतिरोधों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ा, तो धारा तो फिर भी जाएगी, लेकिन सभी प्रतिरोधों में जाने वाली धारा, लेकिन इसमें जाने वाली धारा यदि I1 है, इसमें जाने वाली धारा I2 है, और इसमें कितनी है, बोलो, In है। तो इसका मतलब सभी प्रतिरोधों में जाने वाली धारा अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, पर वो किसके मान पर निर्भर करेगी, इन प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करेगी। तो समांतर क्रम संयोजन में हमारा तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R तुल्य बराबर 1/R1 + 1/R2 + …/1/Rn। मतलब इसमें अपन इनको उल्टा करके जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, उल्टा करके। तो मेरे अनुसार आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको ऐसे याद नहीं करना कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + नहीं, आप ऐसा याद रखो, श्रेणी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को उल्टा करके जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान होता है। तो नेक्स्ट थिंग आपको जो याद रखनी है वो ये है, सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज समान रहता है। तो जितना वोल्टेज Rn पर है, उतना ही वोल्टेज R2 पर होगा, और उतना ही वोल्टेज आपका होगा R1 पर। मतलब सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि सभी प्रतिरोधों में धारा किस पर निर्भर करेगी, प्रतिरोध के मान पर निर्भर करती है। मतलब क्या है सर आपके कहने का, मेरा मतलब यह है कहने का कि जरूरी नहीं है कि धारा अलग अलग हो। जैसे बहुत से टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सभी समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज समान और धाराएं अलग अलग होती हैं। पर भाइयों, इन सभी में धारा जो जाएगी वो तो निर्भर करेगी ना आर वन आर टू और आर एन के मान पर। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं आई वन कितना होगा, तो देखो आई वन निकालनी है तो यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है, वी वटे इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर वन। आई टू अगर आपको निकालनी होगी तो आप क्या लिखोगे, वी वटे आर टू। इसका मतलब आपको जिस भी रेजिस्टेंस से धारा निकालनी होती है, उसका रेजिस्टेंस की धारा आई उसके वोल्टेज और उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। हां, अगर सबका प्रतिरोध बराबर हुआ तो सब में समान समान धारा चली जाएगी, लेकिन अगर सबका प्रतिरोध अलग अलग हुआ तो सब में धाराएं अलग अलग बढ़ जाएंगी। और याद रखना, समांतर क्रम संयोजन में धारा का विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसको धारा कम मिलती है, और जिसका प्रतिरोध कम होता है उसको धारा ज्यादा मिलती है। जैसे मैं इसके एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तब आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा ये, पर फिलहाल आपको ये फॉर्मूले दोनों याद रखने, और दो शर्त याद रखनी है कि सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज समान होता है और प्रतिरोधों पर धारा जो होती है वो उनके प्रतिरोध के मान पर निर्भर करती है। जो फॉर्मूले आपने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए पढ़े हैं, सेम टू सेम फॉर्मूले आपके प्रेरकत्वों के लिए होते हैं। तो दूसरा है हमारा प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो नेक्स्ट है इंडक्टर का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं श्रेणी क्रम,
और उधर लिख देता हूं मैं समांतर क्रम। मैं एक साथ ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो फॉर्मूले आपने रेजिस्टेंस के लिए पढ़े सेम टू सेम आप यहां पढ़ने वाले हो। मान लो मैंने आपके लिए एक इंडक्टर, दूसरा इंडक्टर और ऐसे करके मैंने एन इंडक्टरों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया किसी सप्लाई से। तो मैंने क्या किया, किसी सप्लाई से L1, L2 ऐसे करके N प्रेरकत्वों को, N इंडक्टरों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो आपको दिख रहा है श्रेणी क्रम संयोजन है? सर बिल्कुल दिख रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन है। और इस श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य इंडक्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस LN। मतलब सभी को क्या कर दो आप, डायरेक्टली जोड़ दो। तो रेजिस्टेंस में भी तो अपन ने यही किया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां पर भी अपन ने ऐसे ही कर दिया। मतलब एक तरह से R और L एक दूसरे के क्या हैं, भाई भाई हैं। और भाई भाई का मतलब कि दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, एक समान हैं। जबकि समांतर क्रम में आपने L1, दूसरा लिया आपने L2, ऐसे करके आपने कितने लिए बोलो LN। और इन सबको L1, L2, LN और इन सबको आपने किससे जोड़ दिया, फिर से एक सप्लाई से जोड़ा। वेरी गुड, सप्लाई से जोड़ा। तब आपको फॉर्मूला पता लगा कि 1 अपॉन L तुल्य या L इक्विवेलेंट किसके बराबर है। तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट बराबर है 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन LN। वैसे इंडक्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इंडक्टेंस के श्रेणी क्रम समांतर क्रम के, क्योंकि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध या रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यानी संधारित्रों से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। पर फिर भी आपको याद तो रहना चाहिए कि इंडक्टेंस और का श्रेणी क्रम और या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। और याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सेम कैसे है वो लोग, रेजिस्टेंस की तरह है। आई थिंक आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर होंगे। नेक्स्ट थर्ड में बात करता हूं आपसे संधारित्रों के लिए। किन के लिए बोलो, संधारित्र या कैपेसिटर। तो मैंने क्या किया, कैपेसिटर का श्रेणी क्रम और कैपेसिटरों का समांतर क्रम संयोजन किया, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज संधारित्र, और संधारित्र को अपन बोलते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर या संधारित्र। तो मैंने क्या किया, एक दो तीन ऐसे करके मैंने n संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ दिया, ये हमने जोड़ दिया इसको श्रेणी क्रम में। मान ले इसका संधारित्र था C1, C2, C3 और इसकी संधारित्र कितनी है बोलो CN। तो इसका इसमें उल्टा होता है, इसका जो तुल्य संधारित्रता आएगी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसमें तुल्य संधारित्रता जो श्रेणी क्रम संयोजन में आएगी वो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का उल्टा होगी। इन द सेंस वन अपॉन सी तुल्य बराबर वन अपॉन सी वन, वन अपॉन सी टू, वन अपॉन सी थ्री डॉट 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 वन अपॉन सी एन। मीन्स इसमें जो तुल्य संधारित्रता आने वाली है वो 1 अपॉन सी वन, 1 अपॉन सी टू, 1 अपॉन सी थ्री और 1 अपॉन सी एन के इक्वल आएगी। मतलब आपने यही काम प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में किया था, और आप ये काम संधारित्र के लिए किस में कर रहे हो बोलो, श्रेणी क्रम में। सेम टू सेम आपने एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र और एन संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ दिया, सी वन सी टू सी एन, इन सबको आपने किस में जोड़ा, समांतर क्रम में। तो आप इसके लिए तुल्य संधारित्रता लिखोगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CN। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपने एक कॉपी में तीनों जगह फॉर्मूले लिखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि संधारित्र जो होता है वो R और L के फॉर्मूलों से उल्टा होता है। तो क्या आप इसको रटने की कोशिश करोगे, रटना नहीं है, बल्कि इसको समझ लो कि R के केस में तीनों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तीनों को डायरेक्टली जोड़ते हैं, जबकि पैरेलल में उल्टा करके जोड़ते हैं। तो बस L भी सेम होगा और C इसका उल्टा होगा। तो तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखिए, आप मान लो मैं आपसे कोई सिंपल से क्वेश्चन दूं, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया ये वाला, और इस क्वेश्चन में आपको
कुछ ऐसे दिया है कि ए और बी के बीच में तुल्य संधारित्रता सॉरी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये 4 ओम दे रखा है, ये भी 4 ओम है, ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। और आपसे पूछा ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब आपने दिमाग लगाया कि सर आपने बोला था कि एक के बाद दूसरा आ जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन, बिल्कुल सही है, लेकिन सर इसमें तो बाद में जाके ये 2 भागों में टूट गया, तो ना तो ये श्रेणी क्रम है ना ये समांतर है, ये कौन सा है? बोलो कॉम्बिनेशन है दोनों का, मतलब इसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन भी है और समांतर क्रम संयोजन भी है, इसका मतलब इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, तो दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले जब मैं इसका सॉल्यूशन करने लगा, वैसे इसको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा पर स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है, सबसे पहले आप इसे करने लगे सिंपली आपको ये दोनों कौन से क्रम में देखे, बोलो श्रेणी क्रम में, तो आपने 4 और 4 का श्रेणी क्रम कितना कर दिया, 8 ओम। अब आप यहां फॉर्मूले लगा के टाइम खराब करोगे, फॉर्मूले लगाओगे R1 + R2 4 + 4 8, नहीं आपको डायरेक्ट डायरेक्टली जुड़ते हैं तो डायरेक्ट जुड़ दो ना 4 और 4 8। अब जो समांतर क्रम संयोजन है आपका, कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है, उसमें आप कैसे करोगे? आप इधर कर रहे हो 1/6 1/6 6 LCM आ गया, दैट इज 1 + 1 कितना आ जाएगा 2/6, दैट इज 1/R, सो 1/R तुल्य बराबर 1/3, सो R तुल्य कितना आ जाएगा 3। सो मैंने यहां पर इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो कितना लिख दिया, बोलो 3 ओम, और यहां पर A है और यहां कितना है B, सो 8 और 3 दोनों का कौन सा हो गया। अब ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो इससे क्या बनेगा 8 और 3 का श्रेणी क्रम कितना आ जाएगा 11 ओम, तो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 11 ओम। पहला क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा जा सकता है जिसमें आपको मिश्रित संयोजन दिया जा सकता है, तो आप सीरीज पैरेलल करके काम चला सकते हो, सीरीज पैरेलल कर लो आपका काम चल जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं लगता कि कब श्रेणी क्रम है कब समांतर क्रम है, तो देखो ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, आपसे 2 क्वेश्चनों में समझ में नहीं आएगा, 3 में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो कभी ना कभी आपसे ये क्वेश्चन होने लग जाएंगे। मैं आपके सबके लिए दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं इसी से रिलेटेड, ध्यान से देखना आप, शायद अब आपको क्वेश्चन हो जाए। मैंने एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस और ऐसे कुछ करके कुछ एक सर्किट बनाया, दिस इज पॉइंट बी और ये पॉइंट है आपका ए। ये दे रखा है आपको 10 ओम 10 ओम और मान लो ये दे रखा है 5 ओम, ये दे रखा है आपको 8 ओम और ये भी दे रखा है 8 ओम। नाउ उसने पूछा आर ए बी कितना होगा, तो आंसर देखिए क्या होगा। आप सोचने लगे कि यार यहां से चले ये ब्रांच 2 भागों में टूट गई, जैसे ही ये ब्रांच 2 भागों में टूटी तो 10 ओम और 10 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 10 और 10 का 20 ओम और नीचे कितना ओम है 5 ओम। इससे आगे निकले 8 और 8 दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और देखो इधर करोगे तो 1/8 + 1/8 8, 1 + 1 दैट इज 2/8, सो 1/R, तो R कितना आ जाएगा 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4, नाउ इट इज 4 ओम, क्लियर। यहां आ गया B और यहां आ गया A, B एंड A। अब 20 और 5 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, फिर आप इसे इधर की साइड हल कर लो, अभी तो आप हल कर रहे हो, मैं इसकी ट्रिक सिखा दूंगा कि जल्दी से कैसे करते हैं। सो 20 और 5 का आ जाएगा 20, 1 + 4 दैट इज 5/20, 1/R, तो R बराबर 20/5 दैट इज इक्वल टू 4 ओम, सो इट इज 4 ओम + 4 ओम, कितना आ गया दोनों श्रेणी क्रम में, लास्ट आंसर कितना आया आपका 8 ओम। तो देखो मैं आपको यहां एक ट्रिक सिखाता हूं, मैं आपको यहां एक ट्रिक सिखाता हूं, और ये ट्रिक ये कहती है कि यदि 2 प्रतिरोध समांतर में हो, ये ट्रिक ये कहती है कि यदि केवल और केवल 2, ये 2 के लिए लगेगी 3 के लिए मत लगाना, कि यदि 2 प्रतिरोध किसमें हो, बोलो समांतर में हो,
तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? केवल और केवल दो, जैसे ये दोनों समांतर में है, ये दोनों समांतर में है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? तो तुल्य प्रतिरोध आएगा दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। मीन्स क्या कहने का मतलब है, जैसे मैं किसको उदाहरण लूं, इसका ले लेता हूं, ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर में है। हाँ सर, समांतर में। दोनों का गुणा मतलब 20 गुणा 5 बटे दोनों का जोड़, 20 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100 बटे 25 कितना आ गया? 4 ओम। इसमें आपको एलसीएम, जिन लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, फिर उल्टा करने में दिक्कत आती है, सो वो ये फॉर्मूला ट्रिक अपना सकते हैं, और हर किसी को अपनानी चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है। सो देखो, अगर मेरे को ये ट्रिक आती तो मैं कितना जल्दी करता, 10 और 10 20 आ गया 5, 8 और 8 64 बटे 16 4, 20 और 5 दैट इज 448 ओम। सो इसको आपको क्वेश्चन के लिए पेन पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इन क्वेश्चंस के लिए बेसिकली। आगे समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी। कभी कभी क्या है, आपसे अगला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगला टाइप कौन सा है कि मान लो आपको कुछ ऐसे दे दे क्वेश्चन, मीन्स मैं इस पूरे टॉपिक को 5 टाइप के क्वेश्चंस में तोड़ देता हूं। मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, और ए और दूसरा है बी, सपोज करो ये दे दिया 3 ओम 3 ओम 2 ओम, दिस इज 8 ओम 8 ओम, 4 ओम 2 ओम 10 ओम 9 ओम 7 ओम, कुछ भी लिख दिया मेरे। सो मैंने ये लिखा, तो अब आपसे पूछा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, फिर से उसने पूछा आर ए बी ज्ञात करो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, अब ये कितना भी पीछे चला जाए ऐसे बड़बड़ करके, हमेशा याद रखना इन क्वेश्चनों को हमेशा यहां से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले, तो इनको कहां से स्टार्ट करते हैं? पीछे से। ओके, सो आप एक बार सब में करंट फ्लो करा के देखो। सो आपने धारा प्रवाहित की, कोई धारा यहां से आई मान लो, तो वो दो भागों में टूट गई, इसका मतलब ये वाली ब्रांच और पीछे का पूरा सर्किट समांतर क्रम में, फिर ये आगे दो भागों में टूट गई, इसका मतलब ये वाली ब्रांच और पीछे का पूरा सर्किट समांतर में, और ये वाली जो धारा है क्या आगे टूट रही है? नहीं टूट रही, तो इसका मतलब जो धारा इसमें से जा रही है वही इसमें से जाएगी, वही इसमें से जाएगी, मतलब तीनों प्रतिरोधों से या तीनों रेजिस्टेंस से जाने वाली धारा का मान क्या है? समान। और इन तीनों में से जाने वाली धारा यदि समान है तो कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये तीनों कौन से संयोजन में? बोलो श्रेणी में। और श्रेणी में तीनों क्या कर जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 3 और 3 6 और 2 8, तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, आठ ओम यहां पे है और तीनों से मिलकर के क्या बन गया? बोलो 8 ओम। सो दिस इज 2 ओम 10 ओम, इट इज 9 ओम एंड 7 ओम, इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की है अभी तक, इसलिए ये सेम टू सेम है। अब यहां देखो आप लोग, पीछे से ही चलना है सब कुछ, पीछे याद देखो आप लोग, यहां पर आपका 8 ओम और 8 ओम आपको क्या समांतर में दिख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहां से आने वाली धारा दो भागों में टूट रही है, तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? समांतर में। ट्रिक के पास जाओ, दो प्रतिरोध समांतर में हो, दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़, 8 64 एंड 16 कितना आ गया? 4 ओम। ओके, सो मैंने इससे मेरा सर्किट क्या बनेगा, इससे सर्किट बना 9 ओम 10 ओम, इट इज 7 ओम एंड 4 ओम, एंड यहां पर कितना आने वाला है बोलो? 8 और 8 का समांतर कितना आ जाएगा? 4 4 एंड 2 ओम। अब देखो फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है ये सर्किट छोटा हो रहा है। अब देखो ये तीनों कौन से क्रम में हो गए, क्योंकि सर इसमें से जो धारा जाएगी वही इसमें से जाएगी, वही इसमें से जाएगी, और तीनों कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो 4 और 4 8 और 2 10 ओम, सो इट इज 9 ओम 10 ओम, तो इन तीनों की जगह अपन लिख सकते हैं 10 ओम 10 ओम, और यहां पर कितना है? 7 ओम। यहां तक क्लियर है? अब देखो 10 और 10 कौन से में हो गए? समांतर में।
सो दोनों का निकाल लो, 10 इंटू 10 बटी 10 प्लस 10, 100 अपॉन 20 दैट इज 5 ओम। सो यहां पे इन दोनों को हटा के मैं लिख दूं 5 ओम। ओके सर, 5 ओम। और देखो आप तीनों में जो धारा 9 में से जाएगी वही 5 में से, वही 7 में से, तीनों कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। सो 9 और 7 16 और 5 21 ओम इज द टोटल आंसर। अब ये जो मैंने इतनी बड़ी रामायण की है, इसको करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप तो बस डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हल करो। देखो यहां से चालू हो जाओ, 3 और 3 6 और 2 8, तीनों श्रेणी क्रम में, 8 8 और 8 का मल्टीप्लीकेशन और ये करोगे तो 4 4 और 4 8 और 2 10, 10 10 और 10 का आ जाएगा 5, 5 और 9 और 5 9 7 16 और 5 21, 21 इज द आंसर। आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जो मैंने यहां लिखी है ये सारी चीजें। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, लेकिन एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और इतना बड़ा आप रफों को भर रहे हो, रफ पेज को भर रहे हो, तो ये बेवकूफी भरा काम है। इतना बड़ा सॉल्यूशन हमको वहां नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट ढूंढना है या ऑप्शंस में से आंसर हमको ढूंढना है। देखो इसके आगे, अब यदि मान लो संधारित्र से क्वेश्चन आ जाता, किससे क्वेश्चन आता बोलो? संधारित्र से। तो संधारित्र का क्वेश्चन मैं बता देता हूं, एक एग्जांपल संधारित्र का भी बता देता हूं आपके लिए। संधारित्र में मान लो आपको कुछ ऐसे दे देता, ये आपका संधारित्र का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि भाई ये आपका 9 माइक्रो फेरड है, ये आपका सपोज करो ये है 8 माइक्रो फेरड, ये भी आपका 8 माइक्रो फेरड है, और ये आपका है 4 माइक्रो फेरड, और ये भी आपका कितना है? 4 माइक्रो फेरड है। तो हमसे पूछा है कि तुल्य संधारित्रता ज्ञात करो ए और बी के बीच। तो भाई रेजिस्टेंस अगर आपके समझ में आ गया तो संधारित्रों के पैरेलल और सीरीज समझने में तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम संयोजन में। और ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम संयोजन में। पर फॉर्मूला जरूर इसका उल्टा होता है। तो अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़े हों तो आप लगा सकते हो C1 C2 बटे C1 प्लस C2, मतलब श्रेणी क्रम के लिए। ये संधारित्रों में कब लगेगा? श्रेणी क्रम में। तो अगर आपके श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़े हुए हो तो आप फॉर्म लगा सकते हो दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। दोनों का गुणा 8 × 8 बटे 8 + 8 कितना आ जाएगा? 4। तो इससे बना मेरा 4 माइक्रोफेरड, ठीक है ए। और ये दोनों कौन से क्रम में है बोलो? समांतर में। और समांतर में दोनों डायरेक्टली क्या कर जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाएंगे तो टोटल कितना हो गया बोलो? 8 माइक्रोफेरड। दोनों जुड़ गए सो इट इज 8 माइक्रोफेरड। अब 8 और 4 कौन से क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में आ गए। और श्रेणी क्रम संयोजन में आप फिर से 2 ही संधारित्र हैं। हाँ सर 2 ही हैं, तो ये फॉर्मूला लगा लूं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। सो सीक्वेंट इक्वल टू 4 × 8, 4 × 10 की पावर -6 इंटू 8 × 10 की पावर -6 अपॉन 4 × 10 की पावर -6 + 8 × 10 की पावर -6। दोनों को गुणा किया और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है सर। 8 × 4 = 32 और 8 + 4 = 12, ऊपर बच जाएगा 10 की पावर -6। सो ये हो जाएगा 32/12 माइक्रोफेरड। आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध और प्रेरकत्वों से विपरीत होते हैं। और मैंने आपको प्रतिरोधों के लिए 2 टाइप के क्वेश्चन बताए, और ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। जाते जाते मैं आपको एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी क्या है कि आपको स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पता होते हैं तो आपको थोड़ा फायदा हो जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपके 3 ही रेजिस्टेंस हैं ऐसे, और कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है R, R और R। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, R, R और R। आपसे पूछा A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो।
अब दिक्कत यहां ये हो गई कि इसमें पता नहीं लग रहा कि सर श्रेणी क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन है। इसमें किसी को पता ही नहीं लग रहा कि इसमें श्रेणी क्रम है समांतर क्रम है, क्योंकि कोई अगर यहां से चले तो ये दो भागों में टूट गया, फिर आगे चले तो फिर सर दोबारा दो भागों में टूट रहा है। तो ध्यान रखो कि यदि कभी भी आपको ये दिक्कत आए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता नहीं लग रहा, तो आप डायरेक्टली एक चीज का सहारा ले सकते हो कि आपके पास जितने भी पॉइंट हैं उन सबको, जितने भी आपके पास जंक्शन हैं उन सबको नंबर दे दो। सबसे पहला काम क्या करोगे, जंक्शनों को नंबर दे दो। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर दो से अधिक ब्रांच आकर के मिलती हैं। दो से अधिक ब्रांचों का मतलब, जैसे देखो यहां से चले तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ब्रांच ऊपर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर जा रही है, तो ये तीनों यहां पर आकर मिले, तो दिस इज जंक्शन वन, दिस इज जंक्शन टू, ये जंक्शन हो गया तीन और ये हो गया जंक्शन नंबर चार। तो कितने जंक्शन हो गए अपने पास, चार जंक्शन हो गए। ओके, अब इन जंक्शनों को आपको सिर्फ जमाना है दोबारा, क्योंकि ये जो प्रतिरोध ऐसे ही पड़े हुए हैं इनको सेटल करना है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखो कि देखो यहां पर वन ए और तीन, ए और वन के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, प्रतिरोध नहीं है। वन और ऊपर से थ्री दोनों शॉर्ट किए हुए हैं, तो इसका मतलब ए वन और थ्री तीनों का वोल्टेज क्या होगा, बोलो, समान होगा। ए वन और थ्री, क्योंकि तीनों एक दूसरे से शॉर्ट है इसलिए तीनों का वैल्यू बराबर होगा, वोल्टेज बराबर होगा। और कौन सा शॉर्ट है, टू फोर एंड वी, ये तीनों शॉर्ट है। देखो टू फोर और बी, ये तीनों शॉर्ट किए हुए हैं, तो टू फोर और बी तीनों शॉर्ट है, थ्री वन और ए तीनों शॉर्ट है, तो इसका मतलब मैंने इन तीनों को एक साइड लिख दिया, तीनों को एक साइड लिख दिया। अब जो प्रतिरोध यहां आपको देख रहे हैं उनको यहां सेट कर दो। कैसे करोगे, देखो वन और टू के बीच में आर है, तो वन कहां है हमारा, ये रहा, टू यहां पर ये रहा, इन दोनों के बीच में आप जोड़ दो आर ओम का रेजिस्टेंस, जोड़ दिया। दो और तीन के बीच में आर ओम, दो कहां है, ये रहा, तीन ये रहा, इन दोनों के बीच में कितना जोड़ दिया, बोलो आर ओम। और लास्ट बचा आपका तीन और चार के बीच में, तो इनके बीच में जोड़ दिया आर ओम। आपको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये तीनों कौन से क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। आपने समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया, वन बटे आर इक्विवेलेंट, वन बटे आर वन, वन सॉरी वन अपोन आर, वन अपोन आर, वन अपोन आर, दैट इज आर, वन प्लस वन प्लस वन, थ्री वाई आर। सो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर वाई थ्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से नहीं किया हुआ होगा तो आप इसे नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, आप ये याद रखना कि अगर एग्जाम में आर की कोई भी वैल्यू दे दे, सपोज करो हाँ होने तीनों समान चाहिए, पहली बात तीनों क्या होने चाहिए, समान, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो फॉर्मूला, फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। और अगर तीनों समान नहीं है तो आप ये मेथड करके निकाल सकते हो। पर इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चनों में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में एक दो आपको और कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में, पर आप अभी जितना कराया है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस अपने घर पर कर सकते हैं। आप कोई भी बुक खरीद के लाओ, पर एक ही रिक्वेस्ट है कि उस बुक को पढ़ लो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ ही साथ आपको किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ाऊंगा, केसीएल और केवीएल। थैंक यू फॉर टुडे।